दोस्तों इंडियन सिनेमा में अच्छी स्टोरी लाइन वाली फिल्मों का रीमेक हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इंडियन सिनेमा की वो कौन सी फिल्म है जिसके आज तक सबसे ज्यादा रीमेक्स बने हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। नंबर 3, 2015 में रिलीज हुई दृश्यम फिल्म, जिसमें लीड रोल अजय देवगन और तब्बू का था। ये फिल्म 2013 की सेम नेम की मलयालम फिल्म दृश्यम का रीमेक थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस फिल्म के अब तक 6 रीमेक्स बन चुके हैं, जिसमें तमिल, तेलुगु और चाइनीज लैंग्वेज भी शामिल है। नंबर 2 पर आती है 2013 में रिलीज हुई फिल्म रमैया वस्तावैया। गिरीश कुमार और श्रुति हसन इस फिल्म को प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया था। आपको बता दूं, इस फिल्म के अब तक 8 रीमेक्स बन चुके हैं, जिनमें तमिल, बंगाली और पंजाबी लैंग्वेज भी शामिल है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 1 पर है देवदास फिल्म। इस फिल्म की स्टोरी को शरद चंद्र द्वारा लिखी गई नोवेल देवदास से लिया गया है। तो इंडिया में अभी तक इस फिल्म के 16 रीमेक्स बन चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन फिल्मों में शाहरुख खान, दिलीप कुमार और सौमित्र चटर्जी जैसे बड़े एक्टर्स ने लीड रोल प्ले किया था, जिनमें से दिलीप कुमार और शाहरुख खान वाली फिल्म को आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। वैसे आपको सबसे बढ़िया रीमेक मूवी कौन सी लगती है, कमेंट्स में जरूर बताना।